देख रहे हो अभी अपना ये टाटा गिराज आ गया भाई। गाड़ी हमने अंदर छोड़ दी क्योंकि अपना जो काम है अभी वो भी निपटा के आते हैं भाई। अनंतनाग जाना है हॉस्पिटल में, तो फिलहाल देख रहे हो अल फिलहाल मोटर जो भी भाई आएगा विजिट करके जाएगा भाई। बहुत का अच्छा काम करते हैं। मैं भी लास्ट क्या कर रहा हूँ ये वाला जो फिल्टर है ना, ये मेन फिल्टर है भाई। ये बंद हो जाएगा ना फिर गाड़ी मुश्किल से ही चलती है। एक बार हुआ था अपने बात भाई। सभी ना काम चालू है भाई, लगभग लगभग 70% हो गया भाई। देखो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दादा व्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो भाई लोग लास्ट में आपने देखा था कि हम महाराष्ट्र पहुंच गए थे भाई, उसके बाद हमने कोई वीडियो शूट नहीं किया। एक दो रोजा हमने भी तोड़ दिया भाई, क्या बताए। बहुत ज्यादा गर्मी थी और अकेला चलने वाला बंदा कितना ही बर्दाश्त कर पाएगा भाई। आई होप आज से कंटिन्यू हो जाए। तो फिलहाल अपने भाई लोग देखो, ये क्या नाम है साहिल पंडित, इसका नाम देख के फट रही है भाई, क्या बताऊँ। हमारी लोकेशन जो है ना श्रीनगर में भाई, खाली भी हो गया और यहाँ से हमको जाना है अभी टाटा गिराज में भाई। मैं बोल रहा था पिछले चक्कर में आपको पता होगा, आपने ब्लॉग में देखा होगा, सर्विस करानी है भाई गाड़ी को, सेकंड सर्विस। मतलब जिसमें मैंने 40,000 पे पहली वाली सर्विस की थी फर्स्ट सर्विस, अब जो सेकंड वाली है वो देखो अभी मीटर कितना पहुँच गया भाई, 1,16,000 15,000 पे करना था, इतना तो चल ही जाएगा भाई। अपना भाई है गिराज में भाई, उसने बोला संभाल लेंगे भाई, तुम जल्दी आ जाओ और काम करा के जाओ। फिलहाल हम निकलते हैं यहाँ से, अपने डिस्ट्रिक्ट में ही गिराज है भाई, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में ही, उधर ही कराना है। तो फिलहाल यहाँ से ना हमको हड़बड़ी हो रही है, मंडी में भी बैठने दे नहीं देते दे ड्राइवरों को यार, क्या बता। बारिश हो रहा है भाई, फिलहाल करते हम मंडी को बाय बाय, क्योंकि ऊपर वाले ने हमको ना पूरा साथ दिया है भाई। देख रहे हो बारिश कितनी ज्यादा हो रही है, इतनी गाड़ियां खड़ी है मंडी में, मैं क्या बताऊं आपको मंडी का हाल। देख रहे हम जा रहे हैं भाई, हमको इजाजत दीजिए। कल सुबह हम आए थे, आज सुबह वापस नहीं कर रहे भाई, भाई के लिए पर्ची यहाँ पे नहीं है भाई, जान दे। हाँ चल, अभी देखो गेट से बाहर निकल रहे और अरबाज भाई को छोड़ देंगे यहाँ पे, क्योंकि इसकी इतना गाड़ी पूरी खाली नहीं हो गई भाई। ऊपर से साथ में भी कोई नहीं है, नहीं तो अपने साथ ही लेके जाते पूरा गैराज तक। लेकिन अभी बारिश का मौसम है भाई, हड़बड़ी हो जाएगी कुछ, बारिश अंदर गई गाड़ी में तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। फिलहाल भाई को छोड़ देंगे यहाँ पे, तुरंत हम निकलते सीधा कुलगाम के लिए। चलिए चलिए चलिए, देख रहे हो भाई इसको छोड़ देंगे, चलिए भाई ठीक है, ओके ओके भाई। अभी देख रहे हो किस रोड पे चल रहे भाई, अपना श्रीनगर का जो रोड है ना एक नंबर होने वाला है भाई जल्दी। फिलहाल अभी बाईपास पे पहुंचने वाले भाई, देखो कितने बड़े बड़े फ्लाई ओवर। ए भाई ये अपना भाई मिल गया, देख रहे हो चलते चलते मैं ही भाई। बाईपास भी चढ़ गए भाई, देख रहे हो इधर खुला है। ओ अपने केएमआर भाई की गाड़ी गई थी, लेकिन ये देख ही नहीं रहे भाई, देखो सारे फोन पे लगे हैं। चलो कोई बात नहीं, अपना भाई अभी ड्राइव कर रहा है, देख रहे हो भाई हंस रहा है, क्या बताऊं कैसा मजा लग रहा है चलाने। हम तंग आ रहे भाई, इनको मजा आ रहा है, बड़ी अजीब बात। ये चेक करो यहाँ पे, ओ फोटो शूट हो रहा है टूरिस्ट का, लेकिन हरियाली ही ऐसी है भाई, कश्मीर ऐसा ही है, देख रहे हो बनाया है ये पूरा, वो उसको क्या बोलते हैं केसर ना, वही वाली खेत है भाई, देख रहे हो अभी इसमें तैयार नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा, देख रहे हो। इसको जूता और फिर से निकलना पड़ेगा भाई। करो गाइस, ऊपर इतने बादल और नीचे देख रहे हो क्या ही खतरनाक व्यू है, सरसों का तेल है भाई, देखो इधर इधर सारे फोटो ही उठा रहे यार टूरिस्ट, कुछ अलग ही लग रहा है भाई, हमको भी अलग ही लग रहा है क्योंकि हमारा तो रोज का काम है ना। फिलहाल हम जल्दी से अपने गैराज पे पहुंचते हैं भाई, बहुत टाइम हो चुका है, देख रहे हो 11:30,
तो अभी लगभग आधा घंटा तो लग ही जाएगा, 15-20 में। फिर उसके बाद मेरे को ना हॉस्पिटल भी जाना है भाई, क्या ही बोलूँ। छोटा दादा की ना थोड़ा तबीयत खराब है भाई, उसके लिए अनंतनाग हॉस्पिटल जाना पड़ेगा भाई। तो मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी गैराज पे छोड़ेंगे और आप भाई उधर बैठेगा भाई, जब तक अपना काम हो जाएगा मैं तब तक हॉस्पिटल होके आ जाऊँगा भाई। क्या अच्छे से नजर देंगे, बच्चा है ना, जब बंदा बात करेगा किस चीज़ का दर्द हो रहा है भाई, तो फिर तो पता चलता है, ऐसे किसको पता चलेगा। जल्दी से जाते हैं गैराज में, गाड़ी रखे, मुँह वगैरह धोएंगे भाई, इतना हड़बड़ी हो रखा है ना, देखो ना। तो जल्दी। तो गाइस अभी कंटिन्यू चल रहे हैं भाई, अभी पहुंचने वाले लगभग 15 मिनट और लगेंगे अपने गैराज तक। ये अपना भाई आ गया, देख रहे हो, अभी अभी साथ चलेगा गैराज तक, उधर से हम वापस आएंगे फिर। गाइस देख रहे हो अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, लगभग 1 किलोमीटर और बचे, नहीं 1 किलोमीटर नहीं यार, 200-300 मीटर तुरंत। अपने भाई से मैं मिलाता हूँ भाई, जो भी मेरा भाई यहाँ का मतलब रहने वाला है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, मतलब आस पास जो भी है भाई, काम कराना चाहिए भाई गैराज में, क्योंकि लोकल में काम करते हैं ना भाई, वारंटी में गाड़ी होती है भाई, देखो। तो मतलब अगर गैराज से कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जाएगा तो अपना कोई टेंशन नहीं। तो बाहर से कराएंगे लोकल से तो वो तो फिर यार गड़बड़ ही रहता है। ये देखो अपना गैराज देख रहे हो अभी, अपना ये टाटा गैराज आ गया भाई, गाड़ी हमने अंदर छोड़ दी क्योंकि अपना जो काम है अभी वो भी निपटा के आते हैं भाई, अनंतनाग जाना है हॉस्पिटल में। तो फिलहाल देख रहे हो, अल फिलहाल मोटर जो भी भाई आएगा विजिट करके जाएगा भाई, बहुत का अच्छा काम करते हैं। मैं भी लास्ट में देखता हूँ, मतलब मैंने पहली वाली सर्विस जो फर्स्ट सर्विस कराई थी भाई, उसमें कितना खर्चा हुआ, डबल में ज़्यादा आता है, क्योंकि इसमें ना व्हील भी करने होते हैं और शूज़ भी करने होते हैं और क्या बोलते हैं इसको, ये वो याद ही नहीं आ रहा है। अभी देखते हैं लास्ट में क्या एस्टिमेट आता है भाई, उसके बाद देखते हैं बाकी गैराज और इस गैराज में क्या फ़र्क है भाई, कितना डिस्काउंट क्या कुछ देंगे भाई। बाकी अपना काम निपटा के जल्दी से आते हैं भाई तुरंत। दिन के बज रहे हैं अभी 3, तो अभी हम वापस आ गए भाई, देखो थोड़ा सामान ला लिया क्योंकि गैराज पे जाना है भाई, उधर कुछ नहीं मिल रहा है ना, कोई दुकान है भाई। तो फिलहाल वापस आ गए, अपने बेटे को घर भेज दिया भाई, फिलहाल हम गाड़ी को नज़र मारेंगे क्या काम हुआ है और कितना रह गया भाई, और गाड़ी भी ना आज उधर ही छोड़नी है क्योंकि कल कानवाई है, फिर कल ही निकलना है भाई तुरंत से। क्या खतरनाक लोकेशन पे है भाई, देख रहे हो एकदम जकास लोकेशन पे, देख रहे टाटा मोटर्स 24/7। ये वाला जो फिल्टर है ना, ये मेन फिल्टर है भाई, ये बंद हो जाएगा ना फिर गाड़ी मुश्किल से ही चलती है। एक बार हुआ था अपने बादशाह में, ठीक है, कोई मोबाइल चेंज भी हो रहा है भाई फिल्टर वगैरह, अब रोज भाई कर रहा है अपना काम, देख रहा हूँ चक्कर को पूरे नहीं किया है, इस चक्कर करना स्टार्ट हो गया अभी ना, काम चालू है भाई, लगभग लगभग 70% हो गया भाई, देखो ये अपना ये पीछे हिस्से का है और वो मोबाइल का, बाकी अभी साउंड एक नंबर हो गई भाई, एक नंबर, पहले जैसी साउंड नहीं रही है। अपना भाई आ रहा, तो फिलहाल देखते हैं अभी अपना काम का क्या होगा। शाम के बज रहे अभी 5:30, तो अभी अपना जो काम है मतलब पूरा नहीं हो गया भाई, इस चीज़ से दुखी है क्योंकि व्हील और शूज़ ये दो काम नहीं हो गए, बाकी पूरा काम ओके हो गया भाई, क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास, क्योंकि कल कानवाई छोड़ देंगे भाई, कल शाम तक अपना काम जो है पूरा हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि पहले कानवाई करेंगे, उसके बाद और एक चक्कर लगाएंगे, उसके बाद करेंगे भाई। तो फिलहाल अपना छोटा भाई आया था अपने जैन भाई के साथ, देख रहे हैं स्टेयरिंग पे बैठा चला लेता, लेकिन गैराज में गाड़ी है भाई, देख नहीं तो अभी मोबाइल चेंज करके सर्विस कराना था इसको। लालू भाई तो जाएगा, कब जाएंगे?